करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, इंडिपेंडेंस डे के मौके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस बार सभी जो है जो शो से सेलिब्रेट कर हर कोई अपनी ड्यूटी रखे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कमाल की तरफ से क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान देखने को मिलने वाले, आपके फैंस भी आपके घर आते हैं तो करने वाले आप? बहुत कमाल का मुझे लगता है मैसेज है हमारे ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का कि हमें यू नो हर घर एक तिरंगा होना चाहिए ताकि हम लोग प्राउड महसूस करें। हम जब दूसरे देशों में जाते हैं हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने अपने घरों पे फ्लैग्स लगाए हुए हैं। आई थिंक हिंदुस्तान में भी ऐसा होना चाहिए और बड़ा कमाल का मैसेज है। आई थिंक जब आप देखेंगे तो हर रोज़ आपको ये इस बात की एक जिम्मेदारी महसूस होगी कि आप एक इंडियन है और हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाना है। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। एंड इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इस साल भारत जो है 75वां अपना इंडिपेंडेंस डे क्या सेलिब्रेट कर रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई फील कि हिंदुस्तान की बात करें तो हर रोज़ हमें इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए क्योंकि ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी जो स्वतंत्रता है हमारे लिए क्या मायने रखती है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी देश के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और 15 अगस्त वो दिन वापस आपको याद दिलाता है कि आप हिंदुस्तान के एक ऐसे नागरिक हैं जो जिसमें आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो हैं आपको अपने कंधों पर लेनी है, देश को प्राउड महसूस करवाना है, गर्व आपको होना चाहिए कि आप हिंदुस्तानी हैं और देश को आप पर गर्व होना चाहिए। तो आई थिंक वो एक याद दिलाने का दिन ज़रूर है और मुझे उम्मीद है और कि दुनिया जब 15 अगस्त आएगी तो देश के अंदर और लोग एक दूसरे की मदद के लिए बाहर आएंगे और बेहतर देश बनाएंगे।